तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं वो ट्रेन जो कि गदर मूवी में शूट की गई थी। अगर आपके भी माइंड में ये डाउट है क्या वह ट्रेन आज भी मौजूद है या नहीं, अगर है तो किस हालात में है, क्या वह ट्रेन आज भी चलने की कंडीशन में है, तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए बने रही हमारे साथ। वेल, दिस इज फैजान रजा और आप देख रहे हैं द ब्लेजर शो। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं रेवाड़ी के स्टीम लोको में। तो ये है इसका एंट्रेंस गेट, अब आगे देखते हैं कैसा है रेवाड़ी का स्टीम लोको। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं रेवाड़ी लोको शेड के अंदर, जहां पर दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक इंजनों का भंडार है, जैसे अकबर, अंगद, आजाद और दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक इंजन फेरी क्वीन के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे। तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह है 1855 का बना हुआ दुनिया का सबसे पुराना फेरी क्वीन इंजन, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लाई थी। दोस्तों, ये वही इंजन है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। यूनाइटेड किंगडम में सन 1855 का बना हुआ यह फेरी क्वीन इंजन 130 हॉर्स पावर इंजन के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, जिसका वजन सिर्फ 26 टन है, जबकि अन्य स्टीम इंजनों के वजन 180 टन से भी ज़्यादा है, जिसका नाम भाप के सबसे हल्के और खूबसूरत इंजनों के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है। यह इंजन पहले दिल्ली से अलवर के रूट पे फेरी क्वीन स्पेशल नाम से चलता था। इंजीनियरों का कहना है दुनिया का सबसे पुराना इंजन होने के बावजूद आज भी यह इंजन पटरियों पर मक्खन की तरह दौड़ता है। अकबर के बाद हम आते हैं आज़ाद इंजन के पास। इस आज़ाद इंजन की विशेषता यह है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत को सन 1947 में 15 अगस्त के दिन गिफ्ट के तौर पर दिया था, इस वजह से इसका नाम आज़ाद पड़ा। सन 1947 में अमेरिका का बना हुआ यह आज़ाद इंजन 1445 हॉर्स पावर के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, जिसका वजन 174.28 टन है। इस इंजन का नाम ही काफ़ी हद तक अपनी विशेषता बताता है। क्या आप जानते हैं स्टीम लोकोमोटिव्स अपनी दिशा कैसे बदलते थे? तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है टर्निंग टेबल। पुराने ज़माने के इंजनों के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस टर्निंग टेबल का यूज किया जाता था। पहले ज़माने के इंजन सिर्फ एक ही दिशा में चलते थे, तो इस टर्निंग टेबल का यूज करके इंजन के डायरेक्शन को आसानी से बदल दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे वो इंजन जो कि बॉलीवुड की 20 से भी अधिक फिल्मों में यूज किया गया है, जिसका नाम है अकबर। तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह है इस लोको शेड की शान कहा जाने वाला अकबर इंजन, जिसको बॉलीवुड की 20 से भी अधिक मूवियों में यूज किया गया था। गदर, भाग मिल्खा भाग, वीर और गैंग ऑफ वासेपुर जैसी कई बड़ी फिल्मों में इस इंजन का उपयोग किया गया। हैरत की बात तो ये है, बॉलीवुड की इतनी सारी फिल्मों में
यूज किए जाने के बावजूद आज भी यह इंजन पटरियों पर उसी रफ्तार से दौड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे वो सीन्स जो कि बॉलीवुड फिल्मों में इस इंजन के साथ लिए गए। तो देखिए सबसे पहला सीन गदर एक प्रेम कथा। मैडम जी, इस सीन की अगर शूटिंग लोकेशन की बात करें तो ये सीन अमृतसर के अटारी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के साथ लिया गया जिसका नंबर है 7161। दूसरा सीन फिल्म की एंड का से है। अगर इस सीन की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो ये सीन रेवाड़ी के इसी रेल म्यूजियम में शूट किया गया था। अब आते हैं इस लोको शेड के आखिरी और सबसे विशाल इंजन के पास जिसका नाम है अंगद। सन 1930 में इंग्लैंड का बना ये अंगद इंजन 1492 हॉर्स पावर के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है जिसका वजन 200 टन है जो कि अन्य इंजनों से करीब आधा फुट चौड़ा है। कहा जाता है अगर ये इंजन ट्रैक पर चलकर प्लेटफॉर्म की साइड आए तो ये प्लेटफॉर्म को भी तोड़ सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल।